Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, नौकरी के बदले जमीन मामले में 3 जुलाई को सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आया है। और इस मामले में तेजस्वी यादव के पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, माता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और कई अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई पहले ही चार्जशीट को दाखिल कर चुके हैं। आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 के बीच लैंड फॉर जॉब स्कैम का अंजाम दिया गया था। उस समय लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में कैबिनेट रेल मंत्री के तौर पर तैनात है। आरोपों के मुताबिक नौकरियों के लिए लालू परिवार को जमीनें या तो तोहफे में दी गई या फिर लालू प्रसाद यादव को बेच दी गई। जी हाँ, बात करें तो चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आने पर उनके इस्तीफे की बीजेपी की ओर से की जा रही मांग जो है वो कहीं कहीं बढ़ चुकी है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा कह चुके हैं कि नैतिकता के आधार पर बगैर देर किए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा लिया जाना राज्य की भलाई के लिए जरूरी है। वहीं बात करें तो तेजस्वी यादव पर सर्वे भी किया गया है। पूरे घटनाक्रम पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है तो एक चौंक के बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर जनता का मिजाज समझा तो लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट के बाद क्या तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, इसके लिए सी वोटर ने राज्य में कई त्वरित सर्वे से ये सवाल पूछा, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। जी हाँ, बात करें तो इस मामले को लेकर सी वोटर से जब पूछा गया कि लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट के बाद क्या तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, तो इसमें 47% लोगों ने हाँ कहा तो 42% लोगों ने नहीं कहा और 11% लोगों ने कहा कि पता नहीं है भैया। इस सर्वे में बिहार के लगभग 2575 लोगों की राय ली गई है। सर्वे गुरुवार और शुक्रवार को किया गया। सर्वे में सबसे ज्यादा 47% लोगों ने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट के बाद तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वहीं 42% लोगों ने कहा कि नहीं देना चाहिए। 11% लोगों ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई भी पता नहीं है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% बताया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो याचिका दायर की गई है सीबीआई मामले को लेकर, तो तमाम तरीके की चीजें आ रही है और तेजस्वी यादव को लेकर लोगों की क्या राय है वो आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।